नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कल यानी 1 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन मनाया। इस खास दिन पर ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या बच्चन और मां वृंदा राय के साथ एक खास कार्यक्रम में पहुंची, जो कैंसर रोगियों के वेलफेयर के लिए आयोजित किया गया था। आराध्या ने सबके सामने माइक में बोलते हुए सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी माँ की जमकर तारीफ की। बता दें, आराध्या पहली बार मीडिया के सामने बात करती नजर आईं। दरअसल एक्ट्रेस अपनी माँ और बेटी आराध्या बच्चन के साथ खास मकसद से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सफ़ेद चिकनकारी सलवार सूट पहने ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखने वाली आराध्या ने पहली बार सबके सामने बात की। आराध्या ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी प्यारी माँ जो कर रही है वो सच में बहुत ज़रूरी और अद्भुत है, क्योंकि इसे दुनिया की और हमारे आसपास के लोगों की मदद हो रही है। आराध्या बोली, माँ आप जो कर रही हैं वो सच में अविश्वसनीय है। आराध्या की बातें सुनकर ऐश्वर्या काफ़ी इमोशनल और हैरान नजर आईं। ब्लू पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहने आराध्या ने सबके सामने सिर झुकाया। वहाँ मौजूद लोगों ने आराध्या के लिए तालियां बजाई। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।